नाज़रीन, अभी हमारे साथ हैं नवीद भाई, मेरे बहुत ही अच्छे क्लासमेट। आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं। जी नवीद भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और ये जो है मतलब अपने क्लास फेलोज़ के साथ एंजॉय करना चाहिए, ऐसे इवेंट्स पे जाना चाहिए। जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है वो अपने क्लास फेलोज़ के साथ जितना आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं करें, क्योंकि अभी हमारा भी लास्ट सेमेस्टर है। तो हम जो है अभी दुखी हो रहे हैं कि क्यों हम वो जुदा हो रहे हैं। तो दैट्स वाई जितनी इन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं आप करें, बाकी स्टडीज़ भी चलती रहेंगी। और आई हैव वन ऑफ द बेस्ट क्लास फेलोज हमारे साथ, एक और हमारी बेस्ट क्लासमेट अक्षा फ्रॉम। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने यूनिवर्सिटी में 3 साल गुजारे, कैसे गुजरे आपके इन क्लासमेट्स को आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा गुजरा, क्लासमेट बहुत अच्छे हैं। अभी लास्ट सेमेस्टर है, तो लास्ट सेमेस्टर में आप क्या विशेष हैं आपकी? आप एक एक मोमेंट सेव करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? सेव करना चाहते हैं। ओके, आप ये क्या खा रही? अंडा। चलें, मेरी तरफ से और मेरे व्यूवर्स की तरफ से आपको गेट वेल सून। शुरू में मुझे ओमिक्रॉन था, ठीक है, उसके बाद अभी मुझे कोरोना है, क्योंकि मुझे ना स्मेल आ रही है ना टेस्ट। रास्ते में एक जगह स्टे किया है और अभी मेरे साथ बैठी हैं क्लास की सबसे खूबसूरत। अच्छा, पहले स्क्रिप्ट बता दो। सल्तनत खारिया से हमारे साथ हैं राजा फैजान अली, आइए इनसे जानते हैं इन्होंने कैसा पाया। जी जी, बहुत अच्छा लगा। अभी तक तकरीबन 4 साल इन प्यारे, मोर देन थ्री ईयर्स जो है ना वो अपने इन प्यारे बहन भाइयों के साथ गुजारे हैं। और जब इंसान कोशिश करता है कि जो छोटे छोटे लम्हे होते हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, और ना कि उसमें किसी किस्म के इख्तलाफ या कोई बुरा ख्याल वो जेन में नहीं लाना चाहिए, और बिल्कुल अपने अपने घर वालों की तरह आपको रहना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए हर मोमेंट। अच्छा राजा जी, हमें स्टोरीज बड़ी अच्छी सुनाते हैं, तो कोई स्टोरी सुनाना चाहेंगे शॉर्ट सी जो व्लॉग में पूरी हो जाए? ऐसी तो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी स्टोरी हो जाए जो राजा जी की स्टोरी के लिए हम एक अलग व्लॉग बनाएंगे। और अभी हम इनसे पूछते हैं कि डिग्री एंड होने के करीब है, आखिरी सेमेस्टर है, तो इसके बाद शायद किसी को किसी की शक्लें भी याद ना रहेंगी, तो इस बारे में क्या कहना है कि आप जब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखें, ये एक वक्ती 4 साल का जो था वो इसमें ज़्यादा टाइम तो साथ होता है, तो जब आप एक फैमिली की तरह यानी कि मिल के इंजॉय करते हैं या तो वो आपको फिर दुख भी होता है, पर यह कि जिधर किसी मुश्किल में एक दूसरे के साथ, किसी की मुश्किल में उसके साथ होना, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। हमारा क्लासमेट है वजाहत अलमारूफ वजी, उसके बारे में मशहूर है कि वो बोलता नहीं है, तो आइए आज हम उनको भी बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ लेकिन थोड़ा कम बोलता हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए अपने क्लास फेलोज़ उसके साथ, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम लोगों का 4 साल हो गए हैं और हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप है, और वो है अच्छा एक सब दोस्तों के साथ वो है, तो इसलिए अच्छा लगा है यहाँ पे साथ आके इनके मैसेज में। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आया हूँ क्योंकि मेरे घर के रास्ते में है ये जाते हुए, लेकिन आज फिर दोस्तों के साथ यहाँ पे आए तो पहले से बेहतर लगा, अच्छा लगा काफ़ी, और अभी तक अच्छा सफ़र गुजरा है। यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी गुजरी, और आखिरी सेमेस्टर है, इन लोगों से आप पास आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो क्या आप याद करेंगे इन लोगों को, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी लाइफ कुछ अच्छी गुजरी, कुछ इतनी अच्छी नहीं गुजरी, दरमियान में कुछ सेमेस्टर ऑनलाइन रहे, लेकिन ओवरऑल अच्छे थी, और बाकी क्लास फेलोज ने बहुत हेल्प की है, और अच्छे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मेरे लिए, 2-3 लाइंस जिनके साथ बहुत मज़ा आया पूरे सारे सेमेस्टर में, और उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगी अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी काफ़ी सारी। तो अर्ज़ किया है कि वजाहत कहते हैं जी, अजब सफ़र है, मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही है। अजब सफ़र है, मैं अपनी मुट्ठी से रेत बनकर फिसल रहा हूँ, वो रेत दामन में भर रही है। मैं थोड़ा अपनी मुट्ठी में रह गया हूँ, कुछ उसके दामन में जा चुका हूँ, मैं कुछ दोनों के दरमियाँ हूँ। मुझे ये डर है कि मैं जूँ ही अपनी मुट्ठी को खोल दूँगा, वो अपना दामन झाड़ देगी।
ये जो है ये एक शे जो मैंने कथा पढ़ा है ये एक हमारी स्टडी के कॉन्सेप्ट इनसिक्योरिटी के साथ लिंक्ड है, रिलेट करता है। तो बाकी अगर कोई इसको दो तीन दफ़ा सुने तो उसको पता चल जाएगा कि इनसिक्योरिटी किस टाइप। ये यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में भी नहीं करता, हम जो मतलब जा रहे हैं और मुट्ठी खोलेंगे और लास्ट सेमेस्टर। हाँ ये भी कह सकते हैं। सर एंडिंग रिमार्क्स प्लीज। सर मैं बस यही कहना चाहूँगा इट वॉज अ गुड ट्रिप और हमें इस तरह के मज़ीद ट्रिप्स प्लान करने चाहिए ताकि क्लास वाले भी महसूस हो सकें और हम सब लोग भी इससे महसूस हो सकें। जी प्लीज़। ट्रिप तो अच्छा था और पंच पीर जाएँ तो और भी अच्छा होगा। ओके सर एंडिंग रिमार्क्स। एंडिंग रिमार्क्स बहुत अच्छा सफ़र रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड हम गए हैं, इंजॉय बहुत किया और अच्छी मेमोरीज बनाई हैं और इंशाल्लाह आगे भी इंजॉय करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। ओके थैंक यू इंशाल्लाह। बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मेमोरेबल जो ट्रिप था हमारा। ये तहिया किया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर हम जो हर वीक या एटलीस्ट दो वीक के बाद ट्रिप ले जाएंगे इंशाल्लाह। गुड हो गया। आज इतने अरसे बाद ऐसी पिकनिक पे जाने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्लासमेट से होते हैं ना वो इंसान के बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ होते हैं। इंसान और किसी के साथ इतना अच्छा फील नहीं करता जितना अपने दोस्तों स्पेशली जो यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल के दोस्त होते हैं उनके साथ अच्छा फील करता है और उनके साथ जो बॉन्ड होता है वो शायद ही किसी और के साथ बन सके। तो सेकेंड फैमिली भी कहा गया है फ्रेंड्स को। तो फ्रेंड्स मेरे नज़दीक जो है ना मेरे नज़दीक फ्रेंड्स फर्स्ट फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ पे साथ रहते हैं लोग वहाँ पे अख्तलाफात भी होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ होता है, लेकिन बड़ा इंसान और अहलास वाला और अक्लमंद इंसान मेरे नज़दीक वही है जो सुलह में पहल करे और इन सब चीज़ों को बुला के जो है आपस में मोहब्बत बांटे, सबसे सबकी कदर करने वाला ही बड़ा होता है। क्योंकि जब यहाँ से निकल जाएंगे और प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे तब इस चीज़ की कदर होगी और बहुत पछताएंगे और बहुत मिस करेंगे इन लोगों को हम सब। ये बात मैं अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ की एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ एक दूसरे में आपस में जो अख्तलाफात हैं उनको प्लीज़ ख़त्म करें और कोई फ़ायदा नहीं है पर्सनल ग्रजेज रखने का और एक दूसरे के साथ अख्तलाफात रखने का। और दैट्स इट। फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही हैं कि प्लीज़ लव योर सेल्फ एंड लव द पीपल अराउंड योर सेल्फ। थैंक यू। दुख मिलके दोबारा बोलेंगे वो तू साथ है गुजारे यार यारों से होना जुदा चाहे जितनी दीवारें हौसला फिर ना हारे यार यारों से होना जुदा ओ यार यार।